अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब आप अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और एक मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ बहुत दिन के बाद। मतलब आप लोगों को ईद मुबारक भी नहीं बोला है, बट बोल देता हूँ मैं ईद मुबारक सभी भाइयों को। और आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार होगी मेरी वीडियो की, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि ईद पर मैं चला गया था बाहर, और ये सब पूरी लोकेशन भी देख सकते हो, अंदर की पूरी चेंज है। ये सब इसका आपको मैं बताने वाला हूँ कि अपनी गाड़ी भी गाइज आ गई है। अभी पहले मैं बताता हूँ कि 4-5 दिन वीडियो मेरी क्यों नहीं आई। एक्चुअली ईद वाले दिन तो आप लोगों को पता ही है कि टाइम कुछ भी ज़रा भी नहीं मिलता है। फिर ईद के नेक्स्ट दिन अगले दिन ईद के अगले दिन 6 बजे मैं निकल गया गुजरात। पूरा फैमिली वाले को लेके गया था, किसी काम से गए थे। और ये वाली गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं आने की वजह से ये गाड़ी को नहीं लेके गया, भाई की लेके गए थे एक्सेंट से। हम लोग गुजरात गए थे, गुजरात से 2 दिन के बाद आए हम लोग, मतलब रात 12 बजे आए। तो फिर सुबह में लेट उठे, सो के लेट उठने की वजह से किधर भी थोड़ा सा, मतलब घर में जो सामान नहीं था ख़त्म हो चुका था, उसके लाने ले जाने के चक्कर में फिर बज गया 12-1 बज गया। फिर गाइस 12-1 बजे के बाद मैं चले गया एक्सेसरीज कराने गाड़ी में एक्सेसरीज करा के मैं आया 3 बजे, और खाना खा के थोड़ा आराम किया। और अभी बज रहा है 6, अभी आया हूँ गाइस आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए, पूरा बताने के लिए। क्योंकि अपनी गाड़ी गाइस आ चुकी है, और अपनी गाड़ी आ चुकी है। ये गाड़ी आई है ईद वाले दिन शाम को अपनी गाड़ी गाइस आई है, बट आपको रिव्यू नहीं दिया, जिसके लिए बोलना चाहता हूँ सॉरी। और गाड़ी में देखो क्या क्या आया है वो मैं सब आप लोगों को, मतलब कैसी है गाड़ी वो सब दिखाऊँगा, और मैंने क्या क्या एक्सेसरीज कराया है वो भी आप लोगों को बताऊँगा, और क्या क्या कंपनी से लग के आया है वो भी मैं आप लोगों को वीडियो में बताने वाला हूँ। गाड़ी मतलब एकदम बहुत कड़क है, मज़ा आ रहा है चलाने में। मैंने डिज़ायर भी गाड़ी चलाई है और गाड़ी भी चलाई है, लेकिन इसको चलाने का मज़ा एकदम अलग है। बहुत अच्छी गाड़ी है, होंडे की गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, कम्फर्टेबल भी है, चलने में भी कम्फर्टेबल है, बैठने में भी कम्फर्टेबल है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें। बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे को, कम कराई है लेकिन ठीक है। अच्छा ये जो है ना सीट कवर देखो, ये ओरिजिनल सीट कवर है कंपनी का। ये मैंने अभी फ़िलहाल में चेंज नहीं कराया है, इसके लिए नहीं कराया क्योंकि कम से कम कंपनी का जो लग के आया है सीट कवर, इसको अपन थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं, थोड़ी मैं यूज़ कर लेता हूँ इसको, फिर उसके बाद इसके ऊपर सीट कवर अपन चढ़ा देंगे। क्योंकि अभी कोई भी चीज़ आई है पहले उसको यूज़ करो, फिर उसके बाद, क्योंकि ये गंदा ऑलरेडी होने वाला ही है, तो जो चीज़ गंदी हो जाएगी फिर उसके ऊपर अपन चढ़ा लेंगे। अभी डायरेक्ट उसको नया सीट कवर है, नया सब कुछ है, और उसके ऊपर से अपन अगर चढ़ा देंगे सीट कवर तो क्या मतलब होएगा, फिर वो जो कंपनी से आई हुई चीज़ है उसको अपन यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात एक अलग है कि अपन ने जो स्टार्टिंग में काम करा लिया बाद में नहीं होता, ऐसा नहीं है। सीट कवर ऐसी चीज़ है जो गंदी होने के बाद, ख़राब होने के बाद आप लोगों को चढ़ानी ही पड़ेगी, ये ऐसा नहीं है, ये चढ़ानी ही पड़ेगी। तो मैं अभी आप लोगों को देखो सब कुछ दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ क्या क्या मैंने लिया है गाड़ी में, क्या क्या मतलब एक्सेसरीज मैंने बाहर से गाइस कराया है, ये वीडियो में मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ। तो देखिए गाइस, ये जो सिस्टम है ना, ये कंपनी से लग के आया है, तो इसमें खूबसूरती मतलब अच्छा दिख रहा है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर एंड्रॉयड नहीं लगाया है। एंड्रॉयड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसा कंपनी से आया है जिसकी वजह से मुझे ज़रूरत नहीं। देखिए ये सब ऐसे वेरिएंट है, ये एसी का है, कूलिंग और हीटर का है, ये एसी वेरिएंट देखो कितना अच्छा है। सब डैशबोर्ड कितना अच्छा दिया है, ये एयरबैग है यहाँ पे, और यहाँ पे एक एयरबैग है स्टेयरिंग में, ये ऐसे 2 एयरबैग दिया है, ये देखो पूरा दिया। ये जो कांच का बाहर है ना, ये छोटा ग्लास, ये मैंने लगवाया है बाहर से, और एक ये ना इसका सेंट का खुशबू के लिए ये लगाया है मैंने, और एक ये लगाया स्टैंड, ये स्टैंड की 1 साल की वारंटी है, और इसकी बहुत अच्छा रिव्यू बताया है उसने मेरे को एक्सेसरीज वाले ने, लेकिन पता नहीं है अभी यूज़ करेंगे तो बताएंगे। और गाइस ये देखो, ये भी लगाया है मैंने गाड़ी में, ये ऐसा घूमने वाला है। और ये देखो स्टीयरिंग कवर, स्टीयरिंग कुछ ऐसा दिखता है गाड़ी का, और ये पूरा सब सिस्टम है अंदर। और ये जो बटन है ना गाइस, देखो ये ऐसा यहाँ सामने देखो चेंज होता है, ये इससे चेंज होता है। और ये जो बटन है, ये वॉल्यूम का है, ये मोड फ़ोन उठाने का है, और ये साइलेंट का मोड है, ये सब ऐसा पूरा इसमें सिस्टम दिया है, और बहुत अच्छा। ये देखो ये ओरिजिनल सीट कवर है, ये गाड़ी का बैक साइड का है सब,
और पैनिक बटन लगाया यहाँ पे। ये ऐसा कुछ इसका गाड़ी का लुक दिखता है। और मैंने ये भी लगा के लिया है, ये हाथ रखने का यहाँ पे है, ये ऐसा आगे पीछे कर सकता है, ये ऐसा आगे पीछे कर सकता है। और गाड़ी का सिस्टम, चारों पावर विंडो देखो, ये देखो चारों पावर विंडो है। और गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है देखो, ये फॉग लैंप है जो ऑटोमेटिक जलते रहता है। ये हुंडई का लोगो है, ये और गाइस देखो ये कम, ये पट्टी लगवा के लिए मैंने। और ये पट्टी भी लगाया है मैंने, ये और डोर वाइजर भी लगाया, डोर वाइजर। और ये भी लगाया है देखो, ये छोटा ग्लास है, ये पूरा पीछे तक दिखता है। बाकी व्हील कैप इसमें कंपनी से लग के आया है। ये बाजू भी सेम है, ये ऐसा दिखता है। ये बाजू भी फॉग लैंप है। डिग्गी आप लोग, अच्छा ये भी लगाया है मैंने, ये भी मैंने लगवा के लिया है। और गाइस देखो ये डिग्गी है गाड़ी की, बहुत स्पेस है अंदर, ऐसे बड़े बड़े मीडियम साइज़ के दो बैग रख सकते हैं अपन। ये सीएनजी का बाटला है इधर पे, और अंदर काफ़ी स्पेस दिया है। ये देखो पीछे से लाइटिंग का भी बहुत अच्छा सिस्टम है। ये ऐसा यहाँ पीछे एक लोगो दिया है, ऑरा लिखा हुआ है पीछे। और ये है ना, ये सीएनजी का भी अंदर दिया है, सीएनजी का जो नोजल है ना वो अंदर है। देखो गाइस ये ना अंदर साइड में, पीछे साइड में ये देखो एसी का वेरिएंट दिया है यहाँ पे, ये यहाँ से भी एसी आएगी गाइस कस्टमर को। और ये देखे पीछे से कुछ इस तरह से दिखती है। ये डोर है पीछे से, गाड़ी का लुक देखने जाएंगे तो कुछ ऐसा है। ये पैनिक बटन लगा है। सो गाइस यही सब गाड़ी का जो सिस्टम है वो सब आप लोगों को बता दिया। अभी रह गया गाड़ी का एवरेज, एवरेज जो है जब मैं गाड़ी चलाऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं आई है, हो सकता है आज या कल में आ जाए। आज तो अभी 6 बज चुके हैं, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन कल शायद अपनी नंबर प्लेट आ जाएंगी, तो एक दो दिन में अपन काम पर निकल जाएंगे और गाड़ी का एवरेज बताएंगे कितना अच्छा है कितना ख़राब है क्या है। बाकी चलने में हर चीज़ में गाड़ी हुंडई है तो एक नंबर टकाटक है ही है। बाकी और आगे का रिव्यू, आगे का गाड़ी का क्या इसका सिस्टम है, फंक्शन है, वो सब आप लोगों को मैं धीरे धीरे बताने वाला हूँ गाइस। तो कैसा लगा आप लोगों को, गाड़ी कैसी लगी और क्या है सब कमेंट करके प्लीज़ बताना। अच्छा कुछ भाई लोग जो है ना वो ईएमआई और डाउन पेमेंट सारी चीज़ें पूछते हैं, तो उनको मैं बताने वाला हूँ थोड़े टाइम के बाद कि कैसे कैसे इसमें क्या क्या है। तो गाइस कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसी लगी गाड़ी और कैसी लगी वीडियो, कमेंट करके बताना। और जिन लोगों को अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया अभी तक। और गाड़ी में ये सब एक्सेसरीज़ बहुत ज़्यादा तो नहीं कराया मैंने, जितना मुझसे हुआ है, जितना मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली उतना मैंने पूरा करा दिया है। सिर्फ एक एंड्रॉयड सिस्टम इसकी वजह से नहीं लगाया मैंने, क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो कंपनी ने दिया है वो भी अच्छा है, उसकी वजह से मैंने नहीं लगाया है। और बाकी सीट कवर रह गया ये अपन लगा लेंगे बाद में, गंदी और ख़राब होने के बाद में। तो चलिए मैं मिलता हूँ थोड़े समय के बाद, थोड़े समय मतलब नेक्स्ट वीडियो में, अभी कल परसों जब भी आप, मैं काम पे निकलूँगा आप लोगों को बताऊँगा। और गाड़ी का बहुत लोगों को वेट था, वो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, कुछ भी कमेंट करना ठीक है। ओके बाय बाय।